नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुजी की पोटली क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th के डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सर्वाइवल स्किल। चलिए आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू, डिफाइन सर्च एंड रेस्क्यू, यानी कि सर्च और रेस्क्यू टीम क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करा गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सर्च एंड रेस्क्यू टीम आर, आप यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे सर्च एंड रेस्क्यू टीम के। फिर है आपका टीम कंपोजिशन, किस तरीके से टीम काम करती है रेस्क्यू की। फिर उसके बाद है व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ अ रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर की ड्यूटी क्या होती है। प्लान क्या है, रेस्क्यूअर प्रिकॉशंस क्या क्या होती हैं। डोंट्स फॉर द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जो हमें नहीं करना चाहिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाउ टू मेक स्ट्रेचर, स्ट्रेचर कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट एड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, गोल ऑफ फर्स्ट एड्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। फर्स्ट एड जो हमारी फर्स्ट एड किट होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। DRABC एक्शन प्लान के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। फेंटिंग, लूजिंग कॉन्सियसनेस, बर्न, फ्रॉस्ट ब्राइट, ब्लीडिंग, स्नेक बाइट, फ्रैक्चर एंड स्प्रेन, पॉइजनिंग, डॉग बाइट, हीट स्ट्रोक, ORS, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की ओर, जिसका नाम है डिफाइन सर्च एंड रेस्क्यू। सर्च क्या है, रेस्क्यू क्या है, इस चीज को यहाँ पर डिफाइन करा है। सर्च एंड रेस्क्यू अ टेक्निकल एक्टिविटी रेंडर्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ स्पेशली ट्रेन्ड पर्सनल हु रेस्क्यू एंड अटेंड टू द कैजुअलिटी अंडर एडवर्स कंडीशन वेयर द लाइफ इज एट थ्रेट। द सर्च एंड रेस्क्यू एक्टिविटी आर टेकन इन टू टू मैनर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है, सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो करती है एक टेक्निकल एक्टिविटी है। सर्च एंड रेस्क्यू जो है एक टेक्निकल ऑपरेशन है, जिसके अंतर्गत इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो ट्रेन्ड पर्सन होते हैं उनका मिलके, वो लोग आपस में मिलके उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं जहाँ पर परिस्थिति बहुत गंभीर होती है, वहाँ से उन्हें रेस्क्यू करा जाता है, यानी कि बचाया जाता है और उन्हें अच्छी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर उनका जीवन संकट में ना हो। सर्च एंड रेस्क्यू एक्टिविटी आर अंडरटेकन इन टू मैनर्स, यानी कि हमारी सर्च और रेस्क्यू टीम रेस्क्यू एक्टिविटीज जो हैं वो दो भागों में विभाजित है। पहली है कम्युनिटी एज लोकल रेस्क्यूअर, यानी कि ऐसे लोग जो लोकल में लोकल रेस्क्यूअर के तौर पे काम करते हैं। विद एडेक्वेट सेफ्टी मेजर्स रेस्क्यू एक्टिविटी आर टेकन अप इमीडिएटली बाय कम्युनिटी आफ्टर एनी डिजास्टर। किसी भी डिजास्टर के होने पर, किसी भी आपदा के आने पर या किसी भी तरीके की तबाही आने पर हम क्या करते हैं, वहाँ के जो कम्युनिटी, जिस जगह पे वो आई होती है वहाँ के कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, लोकल मेजर्स के साथ, सेफ्टी मेजर्स के साथ, यानी कि जो अपने लोकल इक्विपमेंट हैं या लोकल रिसोर्सेज हैं उसके द्वारा वो क्या करते हैं, लोगों के जीवन को बचाते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटसाइड कम्युनिटी रिसोर्सेज। आउटसाइड कम्युनिटी रिसोर्सेज के अलावा यहाँ पर आता है ऐसे लोग जो लोकल कम्युनिटी के अलावा रेस्क्यू करते हैं। सर्कमस्टेंसेज वेयर द सिचुएशन इज ग्रेव एंड द लोकल रेस्क्यूअर डू नॉट हैव रिक्वायर स्किल इक्विपमेंट देन स्पेशलिस्ट असिस्टेंट फ्रॉम आउटसाइड द कम्युनिटी इज रिक्वायर्ड। तो देखो क्या होता है, जहाँ पर लोकल अथॉरिटी अपना स्किल्स और इक्विपमेंट से मदद, लोगों को मदद नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम बाहर से स्पेशली ट्रेन्ड लोगों को बुलाया जाता है और उन लोगों की कम्युनिटी में ज़रूरत होती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया, सर्च एंड रेस्क्यू दो तरीके से होता है, एक लोकल रेस्क्यूअर और एक आउटसाइड रेस्क्यूअर। लोकल रिसोर्सेज में लोकल लोग काम करते हैं और आउटसाइड कम्युनिटी में ऐसे लोग जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं, लोकल रेस्क्यूअर से उनको मदद नहीं मिल पाती, ऐसी परिस्थितियों में हम बाहर से रिसोर्सेज को बुलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसका नाम है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। अब हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है सर्च एंड रेस्क्यू टीम के, वो क्या क्या है। रेस्क्यू टू द सर्वाइवर trapped under the debris from the damaged building or from a cyclone storm surge। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो लोग साइक्लोनिक एरिया में या फिर जहाँ पर साइक्लोन आया है या फिर जहाँ पर बिल्डिंग गिर गई है, ऐसी जगहों में फंसे हुए लोगों को निकालना पहला इनकी ड्यूटी होती है। जीवित लोगों को निकालना यहाँ पर लोगों की, इन लोगों की ड्यूटी होती है, किसकी, सर्च एंड रेस्क्यू टीम की। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे प्रोवाइड फर्स्ट एड सर्विसेज टू द ट्रैप सर्वाइवर एंड टू डिस्पैच देम टू द मेडिकल केयर। अब क्या करेंगे, जो फंसे हुए लोग थे उनको फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड करानी है और सीधे कहाँ भेज देना है, उन्हें मेडिकल केयर के लिए
भेज देना है। नेक्स्ट है आपका टेक इमीडिएट नेसेसरी एक्शन एज फॉर टेम्परेरी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द एंडेंजर्ड कोलैप्स्ड बिल्डिंग टू स्ट्रक्चर्ड। देखो अब क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, ऐसी जगह जहाँ पर बिल्डिंग गिरने वाली है या लग रहा है कि ये गिर सकती है, वहाँ पर टेम्परेरी सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और उसके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन लेना, ये किसका तीसरा कारण है, ये तीसरा काम है रेस्क्यू टीम का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हैंड ओवर एंड रिकवर एंड डिस्पोज ऑफ द बॉडी ऑफ द डिजीज्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऐसी जगहों पे जहाँ महामारी फैलती है या किसी तरीके की आपदा आती है, वहाँ पर जल्दी से जल्दी बॉडी को लोगों को परिजनों को उनके क्या करा है, हैंड ओवर करा जाता है, बॉडी को जल्दी से निकाला जाता है जहाँ पे वो फंसी हुई होती है बॉडी, और उन्हें या फिर डिस्पोज करा जाता है ताकि बीमारियाँ ना फैलें। तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका ये था। पांचवा पॉइंट है ट्रेन एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड रेज अवेयरनेस ऑन हाउ टू यूज़ द लोकल मटीरियल फॉर रेस्क्यूइंग द कम्युनिटी पीपल। देखो अब पांचवा पॉइंट है कि लोकल पीपल की, जो लोकल कम्युनिटी के पीपल हैं, उनको लोकल मटेरियल्स के द्वारा लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट यानी कि बताना और उन्हें ट्रेंड करना, ये भी रेस्क्यू टीम का काम है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीम कंपोजिशन। टीम कंपोजिशन, किसी भी रेस्क्यू और आपकी सर्च टीम में टीम कंपोजिशन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो बनती कैसे है रेस्क्यू टीम, देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट इमोशनली साउंड प्रोफेशनली डिजीव्ड वॉलंटियर मेल एंड फीमेल हैविंग गुड फिजिकल कंडीशन विद डेमोन्स्ट्रेट कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क एंड इमरजेंसी कुड कॉन्स्टिट्यूट अ रेस्क्यू टीम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया एक रेस्क्यू टीम का गठन ऐसी लोगों से मिलकर होता है जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों तरीके के लोग होते हैं जिनकी गुड फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जो अपने दिल से इमरजेंसी के समय काम करना चाहते हैं। ठीक है, वॉलंटियर ऑफ एंड बोथ सेक्स अबाउट द एज ऑफ 18 ईयर विद द मिनिमम एजुकेशनल लेवल कैन बी द पार्ट ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। अब यहाँ पे बोला गया है कोई भी बंदा या बंदी, कोई भी लड़का या लड़की, दोनों ही सेक्स के लोग यहाँ पर जिनकी एज 18 साल से ऊपर है और मिनिमम एजुकेशन लेवल पूरा क्या है, जिन्हें लिखना और पढ़ना आता है लोकल लैंग्वेज में, वो पार्ट हो सकते हैं किसके, सर्च एंड रेस्क्यू टीम के। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू एक्स मिलिट्री एंड आर्मी पर्सनल। यहाँ पे बोला गया है उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जो मिलिट्री में काम कर चुके हैं या फिर आर्मी में काम कर चुके हैं, उन लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू टीम बनाने में प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने तीन आपको कंपोजिशन, तीन पिक्चर्स आपको दिखाई हैं अलग अलग, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टीम कंपोजिशन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ अ रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर की क्या ड्यूटी होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव हमने पहले पढ़े थे, अब यहाँ पर आ गया ड्यूटी। ठीक है, द फर्स्ट जॉब ऑफ अ रेस्क्यूअर इज टू एक्सेस द एरिया सो एज टू सेव टाइम विच कुड हेल्प एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रेस्क्यूअर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज अप्रोच टू द डैमेज एरिया पर्टिकुलर ऑफ द डैमेज एंड अंडरस्टैंड इफ एनी फर्दर डैमेज इज लाइकली टू अकर। The local leaders or the people residing in that particular locality provide all the information. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि किस तरीके से रेस्क्यू टीम काम करेगी। रेस्क्यूअर की पहली ड्यूटी है कि वो जाके लोगों सबसे पहले समय को बचाए और जल्दी से जल्दी उस पर अपना रिस्पॉन्स करे और लोगों की मदद करे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि रेस्क्यूअर क्या करे। नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुजी की पोटली क्लासेस में। जहां जहां डैमेज है, कहां कहां पर हुआ है, उस चीज़ को अप्रोच करे और फिर कितना पर्टिकुलर डैमेज किस जगह पे हुआ है, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से समझ जाए और कितना डैमेज और हो सकता है, इन सारी बातों को रेस्क्यूअर सबसे पहले देखता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है वहाँ के लोकल जो लोग रह रहे हैं उस जगह में जहाँ पे डिजास्टर आया हुआ है या कोई भी आपदा या महामारी आई हुई है, उनके आसपास के लोगों से या फिर वहाँ के लोकल लीडर्स से ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो अपना रिस्पॉन्स करता है।
फॉलो 3 की प्रिंसिपल ड्यूरिंग द सर्वे, और वो क्या करता है, 3 प्रिंसिपल को किसी भी सर्वे में, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों को फॉलो करता है। ठीक है, तो 3 सिद्धांत कौन सा है? पहला वो लुक करता है, यानी कि देखता है अपनी आंखों से चारों तरफ, देखता है, सी फिजिकल द इंसिडेंट्स एंड मेक थ्रू विजुअल इंस्पेक्शन। वो क्या करता है, फिजिकली वहां पर जाके इंसिडेंट को देखता है और चारों तरफ सोच समझ के इंस्पेक्शन करता है, किस हद तक नुकसान हो सकता है, कितना हुआ है, ये सारी चीजों का अनुमान लगाता है। फिर उसके बाद आता है लिसन, वो सारे रिसोर्सेज को सुनता है, चाहे वो लोकल कम्युनिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो, चाहे वो मीडिया रिपोर्ट हो, उन सारे इंफॉर्मेशन से, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से बातों को सुनता है। फिर आपका आता है फील, फील कन्विंस्ड रिगार्डिंग द फैक्ट एंड द ग्रेविटी ऑफ एंडेंजर्ड आर ओन कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड। फिर वो कहता है कि किस हद तक हम मदद लोगों को, जो लोग डेंजर में है उनको किस हद तक हम क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये सारी चीजों का वो अनुमान लगाता है। इन तीन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करता है, लुक, लिसन एंड फील। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, प्लान। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है, रेस्क्यू इज अ टीम एफर्ट दैट नीड कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग अमंगस्ट द मेंबर ऑफ एन ऑप्टिमम रिस्पॉन्स ऑपरेशन आफ्टर द असेसमेंट द रेस्क्यू टीम विल वुड बी इन अ पोजिशन टू एडिक्वेटली प्लान द रेस्क्यू ऑपरेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो देखो हमें पता है किसी भी रेस्क्यू में टीम में काम करना बहुत जरूरी है, और टीम में अगर आप काम कर रहे हैं तो किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय की जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, ताकि सभी लोग जितने भी ऑप्टिमम रिसोर्सेज हैं या जितने भी पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा लोगों तक ऑपरेशन करके रिस्पॉन्स को पहुंचा पाए, ताकि लोगों को वहां से सेव करा जाए। आफ्टर द असेसमेंट, जब वो असेसमेंट बना लेता है दिमाग में कि किस तरीके से हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कितने प्लानिंग है, इसके बाद वो क्या सोचता है, वो अपनी टीम को अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रोवाइड करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो क्या करता है, रेस्क्यू टीम में जो हेड होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, एक अनुमान लगाएगा, अनुमान लगाने के बाद लोगों को उनकी आवश्यकता, उनकी पोजीशंस को समझाएगा पर्याप्त मात्रा के अनुसार, ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके। तो वो 3 फॉलो करता है रूल्स को। पहला है मैन पावर, द रेस्क्यूअर कैन यूज द स्किल्ड मैन पावर इफ अवेलेबल एंड ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी इफ रिक्वायर्ड। तो पहली रेस्क्यूअर क्या करता है, जो वहां पर स्किल्ड मैन पावर लोग हैं जो आसपास उनके उपलब्ध हैं, ऐसे लोग जिनके पास मैन पावर अच्छी है और स्किल्ड हैं, उनको वो हेल्प के लिए बुला सकता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें वो बुला सकता है, लोकल कम्युनिटी से लोगों की हेल्प ले सकता है। दूसरा है इक्विपमेंट, वो लोगों को रोप्स, लैडर, बंबू स्टिक्स, स्ट्रेचर, बोट्स के द्वारा ऐसी आवश्यकता की वस्तुएं जिसके द्वारा लोगों को, विक्टिम लोगों को वहां से निकाला जा सके, इनकी मदद ले सकता है। समटाइम्स दीज रेस्क्यू मटेरियल आर नॉट अवेलेबल टू द रेस्क्यू टीम एट द साइट ऑफ इमरजेंसी। कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है जहां पर ये रेस्क्यू मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। देयरफॉर द रेस्क्यू यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक बैरल, टीन कैंस एंड ट्यूब। जहां पर लोगों के पास ये चीजें नहीं होती हैं, रेस्क्यू टीम के पास रोप, लैडर, बंबू स्टिक्स, स्ट्रेचर वगैरह नहीं होते हैं, वहां पे वो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज से इन सारी चीजों को बनाते हैं। बैरल हो गया या टीन केन हो गई या ट्यूब्स हो गई, ये इनसे भी मदद लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड, देयर आर वेरियस अदर मेथड्स व्हिच कुड बी यूजफुल फॉर रेस्क्यूइंग द विक्टिम। देखिए जहाँ हमने ये दो रिस्पॉन्स के जो हमारे मेथड को यूज़ करा, वहाँ पे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। द एडेक्वेट मेथड ऑफ रेस्क्यूइंग इज टू बी डिटरमाइंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कैजुअलिटी, द नेचर ऑफ इंजरी एंड द पोजिशन ऑफ इन विच द कैजुअलिटी इज फाउंड। देखो हर जगह पर, हर कंडीशन पे रेस्क्यू टीम अपना अपना मेथड अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है। ठीक है, जैसे कि ये सब डिपेंड करता है उसकी कैजुअलिटी पे। ठीक है, किस तरीके की इंजरी हुई है या कैजुअलिटी किस कंडीशन में पाई जा रही है, ये सारी चीजों को देखकर वो मेथड को अडेप्ट करता है। कौन? रेस्क्यू टीम।
रेस्क्यू टीम अलग अलग तरीके से रेस्क्यू करेगी, लेकिन वो किस 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 मेथड पे करेगी ये हमें नहीं पता होता है, वो डिपेंड होता है सिचुएशंस के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रेस्क्यूअर प्रिकॉशंस। रेस्क्यूअर क्या प्रिकॉशंस लेता है जिस समय वो किसी भी रेस्क्यू टीम का हिस्सा होता है। सम प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन व्हाइल रेस्क्यूइंग अ पर्सन फ्रॉम अ बिल्डिंग इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर किसी बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और रेस्क्यू करा जा रहा है तो कौन कौन सी प्रिकॉशन या सावधानियां रेस्क्यूअर को लेनी पड़ती है। बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग, अभी बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग है, बिल्डिंग में घुसने से पहले क्या करेगा, ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड कोलैप्स पोर्शन। वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को और जो बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा है उसके पोर्शंस को, उन हिस्सों को ध्यान से देखेगा और ऑब्जर्व करेगा। चेक वेदर द वॉल नीड एनी सपोर्ट, वो देखेगा कि दीवारों को कोई जरूरत तो नहीं है किसी सपोर्ट की, टूट तो नहीं रही दीवार। बी केयरफुल फॉर पॉसिबल हजार्ड विच में अकर फ्रॉम अ वीक स्ट्रक्चर। देखो इसके बाद वो क्या करेगा, केयरफुल रहेगा ऐसी आने वाली आपदाओं से जो हो सकती हैं, जो स्ट्रक्चर वीक होने के कारण हो सकती हैं घटनाएं, ऐसी घटनाओं से बचने की कोशिश करेगा और केयरफुल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका व्हेन एंटरिंग द डैमेज बिल्डिंग। अब बात हो गई हमारी बिफोर तो ये पॉइंट थे, अब आ गए व्हेन एंटरिंग द बिल्डिंग। डैमेज बिल्डिंग के अंदर अगर हम घुस रहे हैं तो क्या करना चाहिए रेस्क्यूअर को, यूज अ हेलमेट, सबसे पहले हेलमेट का यूज करेगा। वर्क इन अ पेयर, डू नॉट मूव अलोन, अकेले कहीं भी नहीं जाना है, जब भी काम करना है पेयर्स में काम करना है। लिसन फॉर पॉसिबल साउंड, कोई भी पॉसिबल साउंड को सुनेगा वो ध्यान से। कीप कॉलिंग, लोगों को बोलते रहना, चिल्लाते रहेगा कि कोई कहीं फंसा हुआ है तो कीप कॉलिंग। ठीक है, डू नॉट टच एंड डिस्टर्ब एनी डैमेज्ड वॉल एंड ब्लॉक डोर्स विच आर ब्रोकन एंड और प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है किसी भी डैमेज वॉल को छूना नहीं है, ब्लॉक डोर को छूना नहीं है ताकि वो टूट के गिर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रीटेड ऑल नेकेड वायर्स एज लाइव वायर्स। ये समझ के चलना है कि कोई भी नंगी तार जो आपकी बिजली की तार है वो एक तरीके से करंट की तार हो सकती है, तो उन्हें छूना नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, व्हाइल मूविंग इनसाइड द डैमेज बिल्डिंग। अब हम अगर बिल्डिंग के अंदर मूव कर रहे हैं, डू नॉट इग्नाइट फायर, आग नहीं जलानी है। कीप क्लोज टू द वॉल, दीवार के सहारे चलना है। बी केयरफुल इन ऑल योर मोमेंट्स, अपनी हर मोमेंट्स के हिसाब से हमें क्या रहना है, केयरफुल रहना है। डू नॉट पुल एनीथिंग प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलैप्स पोर्शन, किसी भी कोलैप्स या टूटी फूटी दीवार या किसी टूटे फूटे हिस्से में किसी भी चीज को खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, डू फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। क्या करना चाहिए जब बिल्डिंग के अंदर होता है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए, कीप काम, शांत रहिए। मेक अ थ्रू असेसमेंट प्रायर टू द रेस्क्यू, क्या करेंगे, एक असेसमेंट प्लान बनाएंगे, यानी कि लोगों को बाहर निकालने का, किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है इस हिसाब से हम असेसमेंट करेंगे। फिर आपका आएगा कीप एज नियर टू द वॉल ऑन डैमेज स्टेयर एज पॉसिबल, तो क्या करेंगे, स्टेयर केसेस के एरिया में दीवार के किनारे होके चलेंगे ताकि सीढ़ियां अगर टूटे तो गिरे ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक मिनिमम सेफ्टी वाइल रिमूविंग डेब्रिस फ्रॉम द विक्टिमिटी ऑफ कैजुअलिटी। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, सबसे ज्यादा सेफ्टी लेके चलनी है जब हम मलबे को हटा रहे हो किसी एरिया में, अगर मलबा गिर गया है, टूट के गिर गया है, ताकि विक्टिम को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सेफ्टीज को लेके क्या करेंगे, मलबे को हटाएंगे। प्रॉपर एग्जामिन ऑफ अ कैजुअलिटी इज अ मस्ट। ठीक है, किसी भी कैजुअलिटी की, किसी भी घटना की हम क्या करेंगे, प्रॉपर एग्जामिन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोवाइड फर्स्ट एड, चेक एंड फैसिलिटेट प्रॉपर ब्रीथिंग। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जब कैजुअल पर्सन विक्टिम को निकाला जाएगा उसको फर्स्ट एड देंगे, उसको चेक करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे कि वो प्रॉपर ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम ये सारी चीज़ों को चेक करेंगे। अगर नहीं है तो उसे फैसिलिटी दी जाएगी उन चीज़ों से जिससे कि वो सांस ले सके। कवर द पेशेंट विद एन ब्लैंकेट एंड टेरापोलिन ETC एंड प्रोटेक्ट द कैजुअलिटी फ्रॉम फर्दर इंजरी।
अगर किसी भी पेशेंट को चोट लग गई है तो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देंगे या किसी टेरापोलिन यानी कि प्लास्टिक पॉलिटीन तरीके की एक वो आता है कवर, उससे हम उसे कवर कर देंगे ताकि कैजुअलिटी और कोई उसे इंजरी ना हो, ठीक है, घटना से बचा जा सके और उसे और कोई इंजरी ना हो। यूज शार्पन टूल्स केयरफुली व्हेन मूविंग द कैजुअलिटी, जो नुकीले औजार होते हैं उन्हें बहुत सावधानी से यूज़ करना है ताकि किसी और तरीके की घटना ना हो सके। लूजन द क्लोदिंग एंड कीप द पेशेंट लाइंग डाउन एंड वार्म, देखो कपड़े ढीले करने चाहिए, जैसे ही विक्टिम को निकाल लिया जाए उसके कपड़े ढीले कर दो, उसे ज़मीन पे लेटा दो और पेशेंट को गर्म रखना चाहिए ताकि उसे कोई भी डिजीज़ ना हो सके, कोई और प्रॉब्लम ना हो सके। गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ रिक्वायर्ड और कंट्रोल ब्लीडिंग, देखो अगर उसे ब्लीडिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना बहुत ज़रूरी है, तुरंत मेडिकल केयर देना उसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पर डोंट फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, हमने डू देखा, अब डोंट फॉर अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। डू नॉट पैनिक, पैनिक नहीं होना है ऐसी सिचुएशन पे जब लोगों को बचा रहे हैं। डू नॉट स्टार्ट रेस्क्यू वर्क अंटिल यू आर इक्विप्ड विद एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक स्टार्ट ना करें जब तक कि आपका पास पर्याप्त जानकारी ना हो। फिर है आपका डू नॉट पुल टिम्बर आउट ऑफ द ब्रेकेज इनडिस्क्रिमिनेटली, यू मे कॉज फर्दर कोलैप्स, किसी भी टूटे हुए हिस्से को या लकड़ी को खींचने की जरूरत नहीं है जिससे कि आपको और कोई घटना हो जाए, यानी कि बिल्डिंग गिर जाए या कोई और चीज़ टूट के गिर जाए, हमें किसी भी चीज़ को खींचना नहीं है। डू नॉट केयरलेसली मूव एन इंजर्ड कैजुअलिटी अनलेस अ पर्सन इज इमीडिएट डेंजर, लोगों को मूव नहीं करना है एक जगह से केयरलेसली, जब तक मूव नहीं केयरलेसली मूव नहीं करना है इंजर्ड कैजुअलिटी घटना के जगह पे इंजर्ड पर्सन्स को केयरलेसली मूव एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना है जब तक कि पर्सन डेंजर में ना हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर में होगा तब इमीडिएट कंडीशन में हम उसे मूव करेंगे। डू नॉट एक्सपोज द फर्दर पॉसिबल इंजरी एंड एडवर्स कंडीशन, यानी कि किसी भी अलग प्रकार की इंजरी या कोई भी फर्दर पॉसिबल इंजरी और एडवर्स कंडीशन को एक्सपोज नहीं करना है, लोगों को बताना नहीं है जिससे कि लोग पैनिक हो जाए, ठीक है। अगर हो रहा है कोई कंडीशन बढ़ रही है या एडवर्स कंडीशन हो गई है तो उसे एक्सपोज नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी डू द क्रॉल ओवर द डेब्रिस और ऑन द डैमेज स्ट्रक्चर, क्या बोला है यहाँ पर, मलबे के ऊपर नहीं चलना है, नेसेसरी एक्शंस को लेना है और डैमेज स्ट्रक्चर से बचना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डू नॉट टच लाइव इलेक्ट्रिक वायरिंग, मैंने पहले बताया किसी भी वायर को नहीं छूना है। डू नॉट वायलेट सेफ्टी मेजर, कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट्स को नहीं तोड़ना है, अगर हेलमेट लगाया तो हेलमेट लगा के रखना है, यानी कि हेलमेट उतार दिया और चल दिया बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। आफ्टर रेस्क्यूइंग द विक्टिम हैज टू प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड एवरी अटेम्प्ट हैज टू बी मेड टू सी दैट टू इट दैट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज डज नॉट डेटोराइड, यानी कि डेटोराइड का मतलब होता है वर्स्ट होना किसी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद विक्टिम को फर्स्ट एड देना कंपलसरी है और उसके बाद अटेम्प्ट करना है कि उसकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़े ना, बेकार ना हो, बद से बदतर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू मेक स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट नीडेड ड्यूरिंग मे रेस्क्यू ऑपरेशन, स्ट्रक्चर कैन बी मेड फ्रॉम द लोकली अवेलेबल मटीरियल, देखो एक बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, लोकली मेड अवेलेबल रिसोर्सेज से भी मिलकर बनाया जाता है। स्वेटर एंड शर्ट कैन बी यूज टू मेक स्ट्रक्चर, रॉड कैन बी इंसर्टेड थ्रू द स्लीव्स ऑफ 3 and 4 टी शर्ट्स फोर शर्ट्स टू मेक अ स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, स्ट्रक्चर हम शर्ट और टी शर्ट से भी बना सकते हैं,
इनके बीच में, इनकी स्लीव्स के बीच में, दो या तीन शर्ट्स की स्लीव के बीच में हम क्या कर देंगे, एक रॉड्स को डाल देंगे जिसके थ्रू हम स्ट्रेचर को बना सकते हैं। अ लैडर कैन बी यूज्ड एज एन स्ट्रेचर, लैडर को भी हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेचर की तरह। रोप कैन बी बाउंड टू रोड्स, देखो रोप हमारे जो सरिया या रस्सियां हैं, या जिस रस्सियों के थ्रू भी हम लोग किसके जरिए क्या बना सकते हैं, स्ट्रेचर बना सकते हैं। पीपल कैन लिंक देयर हैंड एंड कैरी द इंजर्ड पर्सन, पीपल लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को जोड़कर भी स्ट्रेचर को बनाकर लोग इंजर्ड लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ रेस्क्यू ऑपरेशंस, इनके अलावा स्ट्रेचर के अलावा भी कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो हमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जरूरत पड़ती है। पर्सनल इक्विपमेंट फॉर द रेस्क्यूअर, हेलमेट, लाइफ जैकेट, गमबूट्स, टॉर्च एंड विजिल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसी भी पर्सनल रेस्क्यूअर के पास। हेलमेट होना चाहिए, लाइफ जैकेट, गमबूट्स, टॉर्च एंड विजिल होनी चाहिए। टीम इक्विपमेंट्स फॉर द रेस्क्यूअर रोप, टीम इक्विपमेंट क्या है, एक इंडिविजुअल के हिसाब से तो अलग है और टीम के हिसाब से क्या है, अलग है। तो टीम के हिसाब से रोप, लेडर, कटिंग टूल, फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर, ये सारी चीजें क्या है, एक रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आने वाले इक्विपमेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बच्चों। फर्स्ट एड, अब बारी आती है बेटा फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड किसे कहते हैं, द फर्स्ट एड रेफर्स एज अ मेजर टू बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर एन एक्सीडेंट, नॉट विद एन आइडिया टू क्योर बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर हार्म बींग डन। देखो फर्स्ट एड एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एक किसी भी एक्सीडेंट में इमीडिएट एक्शन लेना जिससे कि इंसान को ना केवल बचाया जा सके बल्कि उसके और ज़्यादा फर्दर हार्म, उसे और कोई हानि ना पहुँचे उससे भी बचाया जा सके। यह केवल किसी जीवन को बचाने के लिए नहीं किया जाता बल्कि इसलिए किया जाता है ताकि उस व्यक्ति को या उस पर्सन को और कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, ऐसा एक्शन लिया जाता है जिसमें हम उस व्यक्ति को और कोई हानि ना पहुंचे और उसे बचाया जा सके। इट यूजेस द अवेलेबल ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट टू प्रोवाइड इनिशियल केयर टू द विक्टिम इंजरी सडन इलनेस अंटिल मोर एडवांस केयर इज प्रोवाइडेड। ये एक तरीके का ह्यूमन लोकल मटेरियल रिसोर्सेज जो एक्सीडेंट की साइट पे अवेलेबल होती है वहीं पे दिया जाता है विक्टिम को ताकि उसे कोई फर्दर इंजरी ना हो, और अगर केस वर्स्ट हो जाता है, बढ़ जाती है कंडीशन, तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाए मेडिकल फैसिलिटी या हॉस्पिटल्स के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड हैज अ फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव्स। देखो बच्चों यहाँ पर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव हैं फर्स्ट एड के। पहला है टू प्रिजर्व लाइफ, लोगों की लाइफ को सेव करना, ठीक है, प्रिजर्व करना यानी कि संरक्षण प्रदान करना। दूसरी है टू प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, किसी भी विक्टिम की कंडीशन को, परिस्थिति को वर्स्ट होने से बचाना, ये उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है प्रमोट रिकवरी, उस इंसान की तबीयत में कैसे सुधार करा जा सकता है, तो ये है प्रमोट रिकवरी। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑब्जेक्टिव, किस तरीके से उस इंसान में रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि हमारे फर्स्ट एड का गोल्डन रूल क्या है, बी काम, डू नॉट पैनिक, शांत रहिए और पैनिक नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके फर्स्ट एड के अंतर्गत थी। अभी अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द गोल्स ऑफ फर्स्ट एड आर, गोल्स जो है हमारा फर्स्ट एड का वो क्या क्या है आप यहाँ पे पढ़ेंगे। टू रीस्टोर एंड मेंटेन द वाइटल फंक्शंस, द एबीसी ऑफ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन आर ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एयरवे मस्ट बी ओपन सो दैट कैन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंटर टू द बॉडी। ब्रीथिंग मस्ट टेक अ प्लेस सो द ऑक्सीजन पासिस थ्रू द लंग्स इन टू द ब्लड स्ट्रीम। द हार्ट मस्ट सर्कुलेट द ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड। देखो फर्स्ट एड का गोल क्या है यहाँ पर बोला गया कि देखो किसी भी लाइफ को रिस्टोर या वाइटल फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एबीसी सपोर्ट का देना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है फर्स्ट एड के अंतर्गत। पहला होता है एयरवे, दूसरा होता है ब्रीथिंग और सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन। एयरवे यानी कि उसके आसपास जो है लोगों को हटा देना है ताकि उसको खुली हवा मिल सके और उसकी बॉडी के अंदर
ऑक्सीजन प्रॉपरली वो ब्रीथ कर सके। नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग, उस इंसान को प्रॉपरली वो क्या ले सके, सांस ले सके, ताकि ऑक्सीजन उसके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में जा सके और उसकी ब्लड स्ट्रीम नॉर्मल हो सके। थर्ड है आपका द हर्ट मस्ट सर्कुलेट द ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड, ठीक है, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली चलता रहे उसके हर्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड डेटोरेशन, सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंट करना है फर्दर इंजरी से और वर्स्ट कंडीशन से, बदतर कंडीशन से बचाना है उसे और किसी दूसरी कंडीशन दूसरी इंजरी से बचाना है, फर्स्ट एड का ये रूल होता है। सेकेंड है आपका टू रीअश्योर द विक्टिम एंड मेक हिम एंड हर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, देखो विक्टिम को कंफर्टेबल करना है किसी भी तरीके से, अश्योर करना है विक्टिम को कि वो ठीक है, वो प्रॉपरली काम कर सकता है, जो हो गया, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे शांत करना है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट एड के रूल्स थे, पहला था प्रोवाइड द ABC यानी कि टू रिस्टोर एंड मेंटेन वाइटल फंक्शन, दूसरा था टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी और डेटोरेशन, थर्ड था रीअश्योर द विक्टिम ही इज कंफर्टेबल, ठीक है। अब आता है आपका DRABC एक्शन प्लान। देखो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, DRABC एक्शन प्लान पेपर में कई बार आ चुकी है तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। दिस एक्शन प्लान इज अ वाइटल एड टू द फर्स्ट एडर टू द असेसिंग वेदर द विक्टिम हैज एनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इफ एनी इमीडिएट फर्स्ट एड इज नेसेसरी। देखो किसी भी सिचुएशन में किसी भी एक्शन प्लान में पहली फर्स्ट एड वाले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विक्टिम को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाना, यानी कि उसके जीवन को बचाना उसकी पहली कंडीशन होती है। दूसरी होती है इफ एनी इमीडिएट फर्स्ट एड इज नेसेसरी, अगर उसके कहीं चोट लग गई है या कुछ हो गया है, खरोंच लग गई है, कट गया है, कुछ भी हो गया है, तो उसे फर्स्ट एड की इमीडिएट कंडीशन में क्या दिया जाता है, फर्स्ट एड दी जाती है, ठीक है। पहला है डी, चेक फॉर द डेंजर, पहले हम चेक करते हैं डेंजर को, टू यू टू अदर्स टू विक्टिम, तीनों तरीके की चीज़ों को हम चेक करते हैं। DRABC प्लान में पहला है डी, डी मीन्स चेक फॉर डेंजर, टू यू टू अदर टू विक्टिम, तीनों को चेक करेंगे कि हमें कोई हार्म तो नहीं हो सकता या विक्टिम को कोई हार्म तो नहीं हो सकता या और कोई लोग जो आसपास खड़े हैं उनको तो कोई हार्म नहीं हो सकता, तो इस चीज़ को चेक करेंगे। दूसरा है रिस्पॉन्स, वेदर द विक्टिम इज कॉन्शियस और वेदर द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, हम क्या करेंगे कॉल करके हम उससे पूछेंगे बेटा जवाब दे, या जो भी व्यक्ति है वो पढ़ा हुआ उसकी बातों के जरिए उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। थर्ड है आपका चेक एयरवे, इज द एयरवे क्लियर टू द ऑब्जेक्ट, इज एयरवे ओपन, लो उस व्यक्ति जिसको चोट लगी है विक्टिम को उसके आसपास का एरिया खुला हुआ है कि नहीं है, उसको हवा प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं मिल पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेक फॉर ब्रीथिंग, इज द चेस्ट राइजिंग एंड फॉलिंग, ठीक है, वो चेक करेंगे हम लोग फेफड़े उसके जो चेस्ट उसकी फूल रही है कि नहीं फूल रही है सांस लेते समय, कैन यू हियर विक्टिम ब्रीथिंग, क्या आप विक्टिम की सांस सुन पा रहे हो, कैन यू फील द ब्रीथ ऑन योर चीक, आप उसको देख सकते हो आपके गालों पे महसूस हो रही है उसकी सांस लेने की हवा, तो ये सारी चीज़ें DRABC में आती है। अब आती है सी, चेक फॉर द सर्कुलेशन, यानी कि कैन यू फील द पल्स, उसकी बॉडी की पल्स को चेक करेंगे वेदर इट इज़ वर्किंग नॉट, फिर आता है आपका कैन यू सी एनी ऑब्वियस साइन ऑफ लाइन, फिर हम चेक करेंगे कि उस व्यक्ति में जीवन का कोई लक्षण है कि नहीं है, वो जीवित है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर कैजुअलिटी कंडीशंस में मैंने यहाँ पे कुछ फोटो दिखाया, फोटो के जरिए आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपको देखा होगा पहले में लिटाया उस बच्चे को, फिर दूसरे व्यक्ति को लिटाया गया, दूसरे स्टेप उसे देखा गया उसके लेफ्ट ऑफ द चिक को ऊपर उठाया, चिन्ह को ऊपर उठाया ताकि वो प्रॉपरली सांस ले सके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वॉच द चेस्ट ऑफ मूवमेंट, हम उसकी चेस्ट मूवमेंट को चेक करेंगे, और फिर चौथी कंडीशन उसकी पल्स को चेक करेंगे गर्दन पे हाथ को रखकर, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, क्या है, कैजुअलिटी की कंडीशन थी जिसमें हम चेक करते हैं। फिर क्या है, रिकवरी पोजीशन, उसके जब हम देख लेते हैं उसके अंदर साइन है तो उसकी रिकवर करवाते हैं किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, उसे लिटा देते हैं, उसको टिल्ट, हेड को टिल्ट करते हैं, लेग स्ट्रेट करवा देते हैं, उसके होल्ड
इन हैंड अगेंस्ट द चीक, उसके हाथ को उसके गाल के पास ले जाते हैं और पैर को उठाते हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड कंडीशन है, देखो यहाँ पर, मेंटेन द सपोर्ट ऑफ हेड, पुल हर टुवर्ड्स यू, फिर उसके बाद उसे अपनी तरफ मोड़ते हैं, करवट ले जाते हैं ताकि देख सकें कि उसको कोई फ्रैक्चर या कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद हेड स्टिल्ट वेक, उसे लिटा देते हैं, एंड द फाइनल पोजीशन टू हेल्प कैजुअलिटी टू ब्रीथ, और फिर लास्ट में उसे फाइनल पोजीशन पे लिटा देते हैं ताकि वो सांस ले सके। तो इन फोटोज के जरिए आप समझ गए होंगे, इस ग्राफ के जरिए, इस पिक्चर के जरिए आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से DRABC प्लान एक्टिवेट होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, फेंटिंग और लूजिंग कॉन्शियसनेस। तो बेटा अब आ गए हैं हम कंडीशंस पे, कौन कौन सी कंडीशंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, फेंटिंग, फेंटिंग यानी कि बेहोश होना या अनकॉन्शियस माइंड होना, जहाँ पे इंसान को अपना विवेक खो देता है। फेंटिंग इज अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरफेरेंस विद द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच आर फेंटिंग, हेड इंजरी, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, पॉइजनिंग, डायबिटिक एंड कंडीशन एसोसिएट विद द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, बेहोश किन कंडीशंस में, बेहोश होना एक तरीके की ऐसी है जहाँ पर इंसान अपना विवेक खो देता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है इंसान को, ठीक है। और ये सब किससे जो कि रिजल्ट है किसका, सब ब्रेन के फंक्शंस का। ब्रेन का फंक्शन यानी कि दिमाग में जो हमारी एक्टिविटी चलती है उसके आधार पर जो फंक्शंस होता है, उसके आधार पर हम जो क्रियाएं करवाते हैं उस समय में, अगर कोई वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है तो उसे कहा जाता है फेंटिंग, यानी कि बेहोश होना। इंसान बेहोश होकर गिर भी जाता है, कई बार आपने देखा होगा। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं जिस कारण अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। पहला है बेहोश होना, फेंटिंग। दूसरा है हेड इंजरी, अगर उसके दिमाग में कोई चोट लगी है, मस्तिष्क में कोई चोट लगी है। तीसरा है एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी का दौरा आया हो, क्या पता उसे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रोक, यानी कि उसे हीट स्ट्रोक पड़ा हो, ज़्यादा गर्मी लग गई हो। फिर उसके बाद क्या है, पॉइजनिंग, या उसने कोई जहर खाया हो, या डायबिटिक पेशेंट हो। इन दिस कंडीशंस आर लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर उसे ऑक्सीजन की कमी हुई हो। ये सारी कंडीशंस में इंसान अपना कॉन्शियसनेस खो देता है, यानी कि अपना विवेक खो देता है। इफ़ यू हैव सीन अ फेंटिंग देन डू, अगर किसी इंसान को, व्यक्ति को आप बेहोश देखा है तो आप क्या करिए, कैच द पर्सन बिफोर शी और ही फॉल्स, हम पकड़ लेंगे उस व्यक्ति को और लिटा देंगे तुरंत जमीन पर, ठीक है। पिंच द पर्सन टू सी मूव, ओपन हर आइज, नी देखेंगे कि उसको, एक छुट्टी काटेंगे और देखेंगे कि उस व्यक्ति में कोई मूवमेंट है, उसकी आंख पलक झपक रही है कि नहीं झपक रही। एग्जामिन द इंजरी और कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, हम क्या करेंगे, इंजरी को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे इंजरी तो नहीं उस इंसान को, और ये कारण ढूंढ के निकालेंगे कि वो व्यक्ति किस कारण से अनकॉन्शियसनेस का शिकार हुआ, ठीक है। टिल्ट हेड बैक, कीप आर्म एट राइट एंगल टू द बॉडी, ठीक है। उसके हेड को क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे और उसके हाथ को सीधा उसकी बॉडी के ऊपर राइट एंगल में मूव करेंगे। रेज द लेग्स 8 to 12 inches, उसके पैरों को 8 to 12 inches ऊपर उठा देंगे। दिस प्रमोट्स ब्लड फॉलो टू द ब्रेन, ताकि ब्लड क्या करे, ब्लड पैरों से मूव होके उसके ब्रेन की तरफ मूव करना चालू कर दे, फ्लो करना चालू कर दे। नेक्स्ट है आपका लूजन एनी टाइट क्लोजिंग, अगर उसने कोई टाइट कपड़े पहने हैं तो उसको ढीला कर दें। कीप द विक्टिम वार्म इफ इट इज कोल्ड आउटसाइड, विक्टिम को, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या करें, गर्म रखें अगर बाहर क्या है, ठंडा है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ अ कैजुअलिटी कंडीशंस, हम क्या करें, उस व्यक्ति की कैजुअलिटी की कंडीशन, यानी कि जब कंडीशन होती है, परिस्थिति होने पर, घटना होने पर, उसकी जानकारी रिकॉर्ड करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इफ यू हैव सीन अ पर्सन फेंटिंग देन डोंट डू, अगर कोई व्यक्ति गिर गया है, फेंट हो गया, बेहोश हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं करना चाहिए। डोंट गिव द पेशेंट एनीथिंग टू ईट एंड ड्रिंक, किसी भी पेशेंट को कुछ भी खाने और ड्रिंक करने के लिए ऐसी कंडीशन में नहीं देना चाहिए। डोंट अलाउ द पर्सन हु हैज जस्ट फेंटेड टू गेट अप अनटिल द विक्टिम इज फुल्ली कॉन्शियस, ठीक है। तब तक किसी भी व्यक्ति को अलाउ ना करें उसके आसपास जाने के लिए जब तक कि विक्टिम
या बात करने के लिए जब तक कि विक्टिम प्रॉपरली कॉन्शियस ना हो जाए, ठीक है। इफ द एरिया इज वार्म डोंट क्राउड अराउंड द विक्टिम, ठीक है। देखो अगर एरिया गर्म है तो भीड़ लगाने विक्टिम के आसपास भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस फोटो के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, पिंच करिए, पहला स्टेप है पिंच करिए उस व्यक्ति को कि उसकी आंखें झपक रही हैं कि नहीं झपक रही। एग्जामिन द इंजरी, इस तरीके से हम एग्जामिन करके देखेंगे कि व्यक्ति को कोई इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। उसके गर्दन को थोड़ा सा मूव कर देंगे और देन उसके बाद उसे एक एंगल करके एंगल पे लिटा देंगे, राइट एंगल पे। फिर हॉस्पिटल स्टाफ हैड टू रिकॉर्ड ऑफ द कीप ऑल द रिकॉर्ड ऑफ, क्या करेंगे, कैजुअलिटी कंडीशन का हॉस्पिटल स्टाफ रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पेंटिंग के अंतर्गत आती हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की और, बर्न्स की तरफ। अगर कहीं कंडीशंस पे बर्न हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, ऐसी कंडीशंस में लोगों को कैसे रेस्क्यू कराया जाता है, कैसे बचाया जाता है, वो देखेंगे अब हम यहाँ पर। देखिए, अ बर्न इज डैमेज टू द स्किन कॉज्ड बाय कॉन्टेक्ट विद ड्राई हीट। इट मे बी कॉज्ड बाय फायर, फ्लेम्स, स्टीम्स, हॉट लिक्विड, हॉट मेटल और सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल। देखो, बर्न्स किसी भी तरीके का हो सकता है। ये एक तरीके का डैमेज होता है स्किन पे, ठीक है, जिससे कि किसी भी ड्राई हीट से, यानी कि सूखी गर्म परत से, किसी भी चीज़ से, गर्म चीज़ से छूने से, जिसके स्किन के संपर्क में आने से हमें हमारी स्किन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यानी कि हमारी जो त्वचा होती है वो जल जाती है। इट मे बी कॉज बाय फायर, ये हो सकता है फायर यानी कि आग के कारण हुआ हो, फ्लेम यानी कि कोई आग की लपटें आ गई हैं उसके ऊपर, ठीक है, स्टीम यानी कि भाप गिर गई हो, भाप से भी इंसान जल जाता है, हॉट लिक्विड कोई गर्म लिक्विड उसके हाथों पे या पैरों पे गिर गया हो या बॉडी पे गिर गया हो, हॉट मेटल्स कोई गर्म गर्म उसने कोई मेटल उठा लिया है, या सनलाइट उसने देख ली, ज़्यादा सनलाइट आ गई है उसकी बॉडी पे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पड़ गई है, या केमिकल के थ्रू भी हम जल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमारे को बर्न इंजरीज हो सकती हैं। देखिए, ऐसी कंडीशन कितने प्रकार की होती हैं। द डिग्री ऑफ बर्न वेरीज, बर्न कंडीशन तीन तरीके की होती है, बच्चा लोग ध्यान रखिए, सुपरफिशियल, थिकनेस और फुल थिकनेस, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए इसे। इन्वॉल्व फर्स्ट डिग्री बर्न्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व ओनली टॉप लेयर ऑफ द स्किन एंड द रेड ड्राई एंड द बर्न इज जनरली पेनफुल, द एरिया इज मे स्वेल, मोस्ट बर्न आर फर्स्ट डिग्री बर्न्स। ऐसी कंडीशन जहाँ पर जलने के बाद आपकी स्किन की त्वचा की टॉप लेयर हट जाए या रेड हो जाए, ठीक है, या फिर सूख जाए, ठीक है, और उस जगह पे जलन हो आपको, पेनफुल हो, ठीक है, या फिर स्वेलिंग हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन की सारी चीज़ें फर्स्ट डिग्री बर्न कंडीशंस में आते हैं। इसे सुपरफिशियल भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें पहली कंडीशन यानी कि त्वचा की टॉप लेयर, पहली लेयर जो होती है त्वचा की, पहली लेयर वो जल जाए, ठीक है, सूख जाए या फिर उस जगह पे जलन होने लग जाए और आपको दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन फर्स्ट डिग्री केसेस में आती है, फर्स्ट डिग्री बर्न केसेस में, जिसे सुपरफिशियल भी बोला जाता है। सेकंड है आपका सेकंड डिग्री, पार्शियल थिकनेस, इन्वॉल्व बोथ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस एंड द एरिया ऑफ द रेड ब्लिस्टर में ओपन एंड वी फ्लूड मेकिंग इन द स्किन अपीयर वेट, दीज टाइप ऑफ बर्न आर यूजली पेनफुल एंड द एरिया ऑफन स्वेल। देखो, अब दूसरी कंडीशन, सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न कंडीशन जिसे कहते हैं थिकनेस, इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, जो हमारी जो त्वचा के ऊपर की सतह और निचली सतह दोनों ही जल जाए, ठीक है, द एरिया इज रेड, हमारा हाथ का एरिया या किसी भी त्वचा का एरिया रेड हो जाए, उसमें ब्लिस्टर यानी कि छाले पड़ जाएं, ठीक है, और वो फूट के उसमें से लिक्विड बहना चालू हो जाए, तो इस तरीके के बर्न केसेस को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत पेनफुल होते हैं और इस तरीके के बर्न केसेस सेकेंड डिग्री बर्न केसेस में आते हैं, जिसे थिकनेस भी बोला जाता है। अब आता है थर्ड डिग्री बर्न केसेस, जिसे फुल्ली थिकनेस बोलते हैं, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है थर्ड डिग्री के बर्न्स को, ठीक है, डिस्ट्रॉय बोथ लेयर ऑफ द स्किन विद द मसल बोन एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। देखो, इस कंडीशन में व्यक्ति की त्वचा, मसल्स, बोन्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स यानी कि नसें सभी जल जाती हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है थर्ड डिग्री बर्न्स।
These buns may look brown, charred, and with tissue underneath sometimes appear white. ठीक है, तो जब आपने उस पर कुछ डाला तो आपने देखा होगा उसके नीचे व्हाइट व्हाइट स्किन आ जाती है. तो इस तरीके के बर्न केसेस को बोला जाता है थर्ड डिग्री बर्न केसेस, फुल थिकनेस. ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. बर्न केसेस को देखो, मैंने यहाँ पर समझाया कि क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में. थ्रू कूलिंग में टेक 10 मिनट्स. जहाँ पे जल गया है वहाँ पर उस व्यक्ति के हाथ को या जिस पार्ट पे जला है उसको पानी के नीचे 10 मिनट तक रख दो. रिमूव कंस्ट्रक्टिव आइटम बिफोर द एरिया स्टार्ट टू स्वेल. जो भी टाइटन एरिया है, जो टाइट कर रहा है या बंधा हुआ धागा है या किसी भी तरीके का है, उसे निकाल दो ताकि वो एरिया स्वेलिंग ना करे. ठीक है, नेक्स्ट है यूज अ बर्न शीट, क्लीन नॉन फ्लफी फैब्रिक एंड किचन फिल्म. देखो यहाँ पर क्या करना है, ऐसी बर्न शीट का यूज करना है जिससे कि हाथ और ज्यादा ना जल सके. या तो कोई साफ कपड़ा, साफ जो फ्लफी ना हो, कॉटन का कपड़ा, उससे बांध सकते हैं, या फिर किचन फिल्म. किचन फिल्म समझ गए, यानी कि जो हमारा वो आता है फॉइल पेपर, उससे क्या करें, ढक दें उस एरिया को. बर्न्स, रिमूव कैजुअलिटी फ्रॉम डेंजर्स. चौथा स्टेप है कि डेंजर से उस व्यक्ति को निकाला जाए. एंड पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क, अपने आप को उस रिस्क से बचाकर उस कैजुअलिटी से, उस जगह से जहां पर आग लगी है वहां से विक्टिम को निकाला जाए. रैप द कैजुअलिटी टाइटन स्टार विद द फ्लेम ऑफ एयर्स. ठीक है, और उस व्यक्ति को रैप कर देंगे किसी भी तरीके से ताकि वो क्या कर सके, आग की लपटों से बच सके. ठीक है, मेक श्योर द इंजर्ड आर कम्प्लीटली कवर्ड एंड कीप हर हेड लो. उस व्यक्ति का क्या कर देंगे, लेटा देंगे उसे सीधा, और देन उसके पैरों को 8-12 इंच ऊपर उठा देंगे ताकि कवर करके उठा देंगे ताकि उसके और इंजरीज ना हो सके. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. डू, ऐसी कंडीशंस में क्या करना चाहिए. देखो मैंने वो एक पिक्चर दिखाई थी, पिक्चर के थ्रू समझाया था, यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिए. डू, इमीडिएटली इमर्ज द बर्नड एरिया इन द कूल वाटर और ड्राइंग और बाय अप्लाइंग क्लोथ सोक इन द कूल वाटर. क्या करेंगे, जहाँ पे जल गया है तुरंत फटाफट से कोई कपड़ा लगा देंगे. कौन सा ऐसा कपड़ा जो नॉन फ्लफी हो, ठंडे वाटर्स का, या तो कपड़ा लगा दो या फिर उसे 10 मिनट तक के लिए रख दो. दूसरा है रिमूव ज्वेलरी एंड कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग बिफोर स्वेलिंग एंड ब्लिस्टर अकर्स. क्या करेंगे, उस व्यक्ति के टाइटन कपड़े को हटा देंगे, या जो हिस्सा उस जले हुए हिस्से को रोक रहा है वहाँ पर से कपड़े को हटाकर फटाफट से ज्वेलरी वगैरह हटा देंगे ताकि उस व्यक्ति को स्वेलिंग और ब्लिस्टर ना हो, ब्लिस्टर यानी कि छाले ना हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कवर द एरिया विद द ड्राई एंड स्टरलाइज ड्रेसिंग, नॉट कॉटन एंड अदर फ्लफी मटीरियल. क्या करेंगे, उस एरिया को सुखाएंगे, कवर करेंगे ऐसी जगह से, और स्टरलिंग ड्रेसिंग करेंगे कॉटन से नहीं, और फ्लफी मटेरियल को यूज़ नहीं करना है, नॉन फ्लफी मटेरियल को यूज़ करना है, तो जिससे कि व्यक्ति की वो त्वचा कवर हो जाए. ड्रॉप कवर एंड रोल इफ़ कॉट फायर एंड कवर द पर्सन विद द ब्लैंकेट इमीडिएटली. अगर किसी व्यक्ति में आग लग जाती है उसे तुरंत कवर करो, किसके थ्रू, ब्लैंकेट के थ्रू कवर करके रोल करके उसे बाहर निकाल दो. ठीक है, नेक्स्ट है डोंट, ऐसी कंडीशन में हमें क्या नहीं करना चाहिए. डोंट प्लेस अ बर्न अंडर द एक्सट्रीम वाटर प्रेशर. किसी भी बर्न कंडीशन को ज़्यादा तेज वाटर में नहीं रखना चाहिए. ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा जल गया उसे एकदम से पानी में नहीं रखेंगे, पानी में रखेंगे तो उसकी त्वचा छिल जाएगी. ठीक है, डू नॉट रिमूव द क्लोथ दैट द स्टक टू द बर्न एरिया. किसी भी बर्न एरिया में जले रखे हुए कपड़े को खींचेंगे जो स्टक हो गया है उस एरिया में. ठीक है, डोंट अप्लाई बटर ऑइंटमेंट. किसी भी तरीके का बटर ऑइंटमेंट, ऑयल वगैरह, आइस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, किसी भी तरीके में बर्फ़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में. धन्यवाद.